क्या आप सोच सकते हैं कि चेन लूटने के लिए आए दो बाइक सवार बदमाशों को महिला ने पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। जी हाँ, यह वारदात हुई है ग्वालियर में, जहां महिला ने बदमाश को पकड़कर इतना तेज झटका दिया कि वह साथी सहित बाइक के नीचे गिर गया। असल में झपट्टा मारकर ये दोनों बदमाश चेन लूटने के लिए आए थे महिला के पास, और उसके बाद जब ये नीचे गिरे तो महिला चप्पल लेकर उन पर टूट पड़ी, और इसके साथ ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बदमाश बाइक छोड़कर वहीं भाग गए। शनिवार को यह घटना घाटीपुर में हुई। कुल मिलाकर इस महिला का नाम है श्रद्धा, जिसकी उम्र है 35 वर्ष, और यह विनोद त्यागी की पत्नी है। श्रद्धा के पति शासकीय स्कूल में शिक्षक हैं और श्रद्धा कॉलोनी की कुछ महिलाओं के साथ दूध लेने गई थी। लौटते समय काले रंग की बाइक पर सवार दो युवक जो चेहरा ढके हुए थे पीछे से उसके पास आए और बाइक धीमी करते से ही श्रद्धा सतर्क हो गई। पीछे बैठे बदमाश ने झपट्टा मारा और महिला की चेन पकड़ ली। श्रद्धा ने भी समझदारी दिखाते हुए उसकी बाइक के साथ दौड़ते हुए बदमाश का हाथ पकड़ लिया, फिर पूरी ताकत लगाकर बदमाश को इतना तेज झटका दिया कि वह साथी सहित बाइक के नीचे गिर गया। उसके बाद महिला चप्पल लेकर बदमाशों पर टूट पड़ी, बदमाश बाइक वहीं छोड़कर भाग गए। इसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने बाइक जब्त कर ली, और महिला का यह भी कहना है कि बदमाशों के झपट्टा मारते ही उन्होंने तय कर लिया था कि अपनी मेहनत का पैसा नहीं ले जाने दूंगी। कुल मिलाकर यह पता चला है कि जो बाइक है वह झांसी निवासी अभिषेक शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं यह बाइक चोरी की तो नहीं थी, लेकिन श्रद्धा के साहस की सभी महिलाओं में और सभी दूर तारीफ की जा रही है कि किस तरह से उसने चेन लूटने आए बदमाशों के हौसले पस्त कर दिए, उन्हें ज़मीन पर पटक दिया और उनकी चप्पलों से बुरी तरह से धुनाई कर दी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।